गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वी एन व्लॉग्स। और आज इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ मिनी कूपर कंट्रीमैन। सो आगे चलकर ये वीडियो पूरी मिनी कूपर कंट्रीमैन के ऊपर होने लगी है। सो इस वीडियो पे बने रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, आईडी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। सो सबसे पहले अगर कार की हम बाहर से बात करें तो गाइस ये इसकी की है, ठीक है। ये मिनी की ब्रांडिंग है पीछे और ये आगे है। ये मिनी का बीच में बटन है लॉक करने के लिए, अनलॉक के लिए, और ये बूट को ओपन करने के लिए। इस बटन को आप दबाओगे तो ये की बाहर भी निकल जाती है। सो अब हम कार की बात करें, आगे आपको मिनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे ग्रिल। तो गाइस जान निकालती इतनी अच्छी ग्रिल है। ये चंडीगढ़ का टेम्परेरी नंबर है। नीचे आपको फोग लैंप्स मिल जाते हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना ये लैंप्स। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं और लाइट्स को रात में जब आप कार चलाओगे ना तो जो सी ये चीज़ जगती है ना गाइस ऑसम लगती है, ठीक है। और आगे से गाड़ी की लुक कुछ ऐसे की है, ग्रीन और वाइट स्ट्राइप्स में गाड़ी ऑसम लगती है। या आप ध्यान से देखेंगे बोनेट में थोड़ा सा ऐसे बम्प है जो कि कार की लुक को और एनहांस करता है। साइड उसके ऊपर आपको टू नोजल्स मिल जाती हैं वाइपर के लिए, ठीक है। सो गाड़ी में ऐसा है। यहाँ पर आपको एस की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। अगर हम गाड़ी में इस साइड आएँ ड्यूअल टोन आपको मिलता है, साइड मिरर्स आपको वाइट कलर के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एस की ब्रांडिंग और नीचे इंडिकेटर लाइट्स भी मिलती हैं। जो उनसे आप हैंडल्स हैं उनमें आपको क्रोम की फिनिश मिलती है, ठीक है। ये देखिए व्हील्स आपको स्टॉक, ये स्टॉक व्हील्स हैं। पर आपको यहाँ पर डीजल टैंक मिल जाता है जिसको आप ऐसे प्रेस करेंगे ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर ये ऐसे प्रेस करेंगे लॉक हो गया। पीछे आपको लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। पीछे से गाड़ी की लुक कुछ ऐसे की है। बीच में आपको मिनी की फिर से बैजिंग मिल जाती है, नीचे फिर से नंबर प्लेट। यहाँ पीछे का मिरर कुछ ऐसे का है, मेन चीज़ है गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको कूपर्स की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। पीछे की लाइट्स कुछ बहुत अच्छी लगती हैं। नीचे आपको डुअल साइलेंसर्स मिलते हैं। अभी ये स्टॉक साइलेंसर में इतनी आवाज़ होती है, जब आप आफ्टर मार्केट डलाएं तो गाइस ऑसम। और गाइस यहाँ पर कंट्रीमैन की ब्रांडिंग होती है, बट जिसकी ये कार है उसने ये हटाया हुआ है। आप ध्यान से देखें थोड़े इम्प्रिंट्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीमैन लिखा होता है। गाड़ी में सेड है तो वैसी की वैसी है कार। ये गाइस ये पूरी लुक है इस कार की, ठीक है। अब मैं गाड़ी को आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इस अंदर से मिनी कूपर कुछ ऐसे की है, ऐसा इसका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर आपको क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसको दबाएंगे क्रूज लग जाएगा, स्पीड अप स्पीड डाउन लिमिट वगैरह ये सारे कंट्रोल्स। बीच में आपको मिनी की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये हॉर्न है, ठीक है। इस साइड आपको सारे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको कॉल डिक्लाइन करना चाहते हैं, वॉइस कमांड देना चाहते हैं, वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैक को शिफ्ट करना चाहते हैं। ये है इसकी MID, ठीक है। MID ज़्यादातर मैनुअल ही है। तो यहाँ पर आपको RPM शो हो रहा है, ठीक है। स्पीड इसकी मैक्सिमम है 260 और यहाँ पर ये 5228 किलोमीटर चल चुके हैं। ये है मिनी कूपर कंट्रीमैन 2021 मॉडल, ठीक है। तो पूरे आगे आपको 4 AC विंडोज मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इस साइड की बात करें लॉक अनलॉक, फिर ये इसका ऐसे ओपन हो जाते हैं। देखो कितना स्टाइल से है ना। एक बारी गाड़ी को फिर से बंद कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मिरर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारी की सारी पावर की विंडोज मिल जाती हैं आपको, ठीक है। यहाँ से आप अगर वो लॉक करना चाहते हैं कि अनलॉक करना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप ये बंद करना चाहते हैं साइड मिरर, जैसे ये अभी बंद है इसको दबाऊंगा ऊपर आऊँगी, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। इस साइड बात करें लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर पूरे लाइट के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद आप हाई बीम कितनी करना चाहते हैं, और ये इसका एक AC वेंट है जिसको आप अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल कम हवा आएगी, इसको ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा हवा आएगी, ठीक है। एक बारी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। ब्रेक में पैर रखें और ये बटन सेंटर में है, इसको दबाएँ और आवाज़ सुनना भी आप। सुनी होगी ना आपको आवाज़, ठीक है, ठीक है। तो ये भी ऐसे इसका सारा सिस्टम है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा चला लेता हूँ AC को, गर्मी बहुत है यार, क्या करें।
अंदर से इसकी MID कुछ ऐसी की है, राउंड डिस्प्ले, राउंड स्टाइल के अंदर आपको इतनी सी डिस्प्ले मिल जाती है, ये भी टच नहीं है, ये इससे आप सारा कुछ कंट्रोल करेंगे। तो गाइस ये एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर सारे वाइपर्स स्क्रीन से रिलेटेड है और यहाँ पर इंडिकेटर है। ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर इंडिकेटर्स होते हैं एंड यहाँ पर वाइपर्स होते हैं, बट इसमें ऑपोजिट काम है, ठीक है। यहाँ पर हजार्ड लाइट्स का बटन, ठीक है, यहाँ पर MID मिल जाती है आपको। नीचे आपको मिल जाता है कि आप कौन सा मोड, रेडियो शिफ्ट करना चाहते हैं, चैनल शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रैक इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम म्यूट। तो नीचे आप ध्यान से देखेंगे AC के टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने आपके AC का, उसके बाद आपकी जो स्पीड है विंड की, जैसे इसको मैं दूसरा करता हूँ तो सेकेंड लेवल हो गया ना। और ध्यान से देखना, जैसे अभी मैंने नीचे से चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर भी चेंज हो रहा है ना। तो ये बहुत, ये जब आप स्पोर्ट्स मोड लगाएंगे ये रेड कलर का हो जाएगा, इको मोड लगाएंगे ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छे इसके फीचर्स हैं। और आप दोनों साइड्स के अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं, जैसे इस साइड का 21 है, एक साइड का 22, 23, 24 मर्जी डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। नीचे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है और USB पोर्ट के साथ यहाँ पर आपको सॉकेट भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करें, यहाँ पर इसका गियर शिफ्टर है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल, स्पीड प्लस, स्पीड डाउन, और साइड पे आप देखेंगे तो अनलॉक। जैसे अगर आपको गियर डालना है, ब्रेक पर पैर रखिए, इसको दबाइए और फिर जाके शिफ्ट होगा, ठीक है। और पार्किंग में डाल लो आप, इसको पार्किंग को सिर्फ ऐसे दबा दो, ठीक है, पार्क हो चुकी है कार, ठीक है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, ऊपर करो, ये ब्रेक लग गई, ध्यान से सुनोगे आवाज़ भी आएगी, देखो, ठीक है। इससे कोई हेल्प से आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये सारा कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या करना है क्या करना है, ठीक है। ये मेन्यू, ये मीडिया कॉम बैक ऑप्शन, ठीक है, ये सारा कुछ आगे का। ये डैशबोर्ड है इसका, ठीक है, उस साइड का ये है, ऊपर की तरफ आपको ये रियर व्यू मिरर मिलता है, उसके ऊपर आपको ऊपर 2 सनरूफ्स मिलती हैं, तो एक का कंट्रोल है ये देखो जी, मैंने जैसे मैंने ओपन कर दी, तो आप इसको दबाएंगे, ये देखिए, इसको दबा कर रखना पड़ेगा और ये ओपन होगी। अब इसको फिर से बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको लाइट के मिल जाते हैं, आप इसको ऐसे आगे को दबाएंगे लाइट जल जाएगी, पीछे को दबाएंगे बंद हो जाएगी, ऐसे उस साइड एक है, फिर ऑल है, ठीक है। यहाँ पर आपको सन प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। और इस साइड देखिए, इसमें ऐसे वाला जैसे पुरानी कारों में भी नहीं आता था लॉक सिस्टम, वैसा ही गाइस इसमें है, ठीक है। देखना जैसे मैंने अभी अनलॉक किया कार, तो ये सिस्टम मुझे बहुत प्यारा लगता है इसमें, है ना, पुराना विंटेज, मतलब कि फीलिंग आती है कि हाँ यार किसी चीज़ के ऊपर बैठे हैं। सो उसके बाद अगर इसकी आर्मरेस्ट है, ठीक है गाइस, सीट्स की लेदर, भाई साहब लग्जरी है गाइस, मज़ा आता है बैठने को भी। तो अभी मैं आपको गाड़ी से उतर के एक बारी दिखाता हूँ, सो गाइस ये आप ड्राइवर अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है, इससे आप आगे पीछे, सो ये सारे मोड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये देखिए, आप सोच रहे हैं इसको कैसे बाहर निकालना है, ऐसे करोगे ये बाहर निकल जाएगी, फिर आप इसको दबाकर अंदर की तरफ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका सिस्टम है, अभी मैं आपको कार पीछे से दिखाता हूँ। सो गाइस पीछे से कुछ कार ऐसे की है, ये देखिए पीछे में आपको रूफ मिलती है, ओपन नहीं होती बट ऐसे आपको व्यू टाइप मिल जाता है, ठीक है। ये इसके फिर से AC वेंट्स आ गए, ठीक है, नीचे नीचे टाइप सी गाइस, बहुत कम कार्स में मिलेगा आपको, मतलब कि इसमें आप डबल टाइप सी लगा सकते हैं, डबल टाइप सी केबल्स, ठीक है, ये मिल जाते हैं आपको बीच में। फिर आर्मरेस्ट है, ये है, ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करोगे ओपन, बहुत मज़ा आता है यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए उनकी जो होती है ना बेबी सीट्स, उनकी केबल्स यहाँ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैगजीन होल्डर, कम स्पेस है पर फिर भी, और ये है इसको आप जो सी आर्मरेस्ट है, इसको आप ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कार कुछ पीछे से है, ये आपको लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि जैसे होता है ना सीधा लाइट्स ऑन होती है, ध्यान से देखना धीरे से लाइट्स ऑन होंगी, एक मिनट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए
हुई ना धीरे धीरे से लाइट्स ऑन। तो ये पीछे की तरफ आपको ये मिल जाती है। अभी मैं आपको इसकी बूट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। बहुत अच्छी कार लगती है यार। ठीक है गाइस, सो ये मैंने इसको बटन को दबा के रखेंगे, बंद होगी, ओपन होगी। ठीक है, देखो पावर बूट है, ठीक है। केबल्स मिल जाती हैं, सामान को टाइटली होल्ड करके रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लगती है। और ये आप अगली तीन से दो सीट्स और एक आर्मरेस्ट को बैंड कर बूट स्पेस की कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ मिनी वालों ने साथ में बॉक्स दिया था, आई डोंट नो इसके अंदर क्या था, बट थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। इसके अंदर वैसे कुछ बैग था, देते हैं ना ज़्यादा यार, इतने पैसे लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देंगे। प्राइस गाइस इसका 42 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाता है, तो बंद करने बूट को। अभी कार चला कर दिखा देता हूँ एक बारी। सो ब्रेक पर पैर रखें, अनलॉक को दबाएं और नीचे की तरफ कर दीजिए। ये ड्राइव ऑटोमेटिक मोड हो गया। यहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल्स मिलती है, ड्राइव मोड है, डी डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी आपको इसको सो ऐसी है गाइस, कुछ एक कार, ठीक है गाइस। अभी रिवर्स कर देता हूँ फिर से, तो अनलॉक कर दबाए। सो ये रिवर्स हो गया, कैमरा शो हो रहा है यहाँ पर। अच्छी फीलिंग लगती है, अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है यहाँ पर उन्होंने। अब पैसे खर्च रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देंगे ना अच्छा लाकर। तो बस अब पार्क को दबा दें, गाड़ी बंद, अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी जब आप पार्क मोड को दबाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक को इनेबल करने के लिए ऊपर की तरफ खींचे, लग गई, ठीक है गाइस। सो ये ऐश सामान रख सकते हैं आप इसमें। सो गाइस ये थी पूरी वीडियो मिनी कूपर कंट्रीमैन के ऊपर। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। VN व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप सब्सक्राइब करते हो ना तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मेरे व्यूअर्स को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो और अच्छा कंटेंट लेकर आना है। तो थैंक यू गाइस, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आईडी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, फॉलो कर लेना। एंड वहाँ पर मैं अपनी रिसेंट अपडेट्स ज़्यादा जल्दी से देता हूँ यूट्यूब के मुकाबले। और गाइस अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। और ये थी पूरी वीडियो गाइस, होप करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को गाइस। ओके बाय बाय।